हेलो दोस्तों, आज का हम द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द हिंदू के न्यूज़ आर्टिकल और अदर प्रीमियम आर्टिकल जो हमने मिंट वगैरह से उठाए हैं उसको डिस्कशन करने से पहले मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया है कि हम पॉलिटी थ्रो एमसीक्यू करेंगे, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब पूछा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की क्या क्या क्वालिटी थी और क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या क्या वो यहाँ कर सकता था। तो इसमें से हमें दो या तीन पॉइंट चूज़ करना है कि कौन सा सही है। तो देखो, पहला इन्होंने बात की है वाज अ ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर, वो एक ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर था, क्या ये सही है गलत है। दूसरा, पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश राज, ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया। और हैड हिज परमानेंट सीट इन कैबिनेट कलकत्ता, मतलब कह रहे हैं कि कलकत्ता में उसकी परमानेंट सीट थी। और अगला पॉइंट जो है वॉज अपॉइंटेड बाई ब्रिटिश मोनार्क, ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। तो आप यहाँ पहला देख लीजिए, वॉज अ ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर, ये बिल्कुल सही है, वो ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर था, तो ये सही है। तो ये आपका गया, मतलब एक ऑप्शन आपका कट हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश राज, ठीक है, गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आप याद रखें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब बनाया गया था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेल हो गई थी 1858 में, ये पोस्ट जो है 1858 में आई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसका परमानेंट सीट जो थी वो कलकत्ता में नहीं थी, ये गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसकी परमानेंट सीट लंदन में थी। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता, तो ये भी कट गया, तो ये कट गया, इसका मतलब आंसर ए हुआ, वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा अपॉइंट किया जाता। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। आप ये देखिए, ये इंडियन सेक्रेटरी कहलाता था और ब्रिटिश कैबिनेट इसे अपॉइंट करती थी, ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट का ये मेंबर होता था। आगे देखते हैं, और ये जो है रिस्पॉन्सिबल था गवर्नेंस के लिए ब्रिटिश इंडिया में, एडन में और बर्मा में, ये नाम हमें एडन और बर्मा याद रखना, ये आपको ईजीली याद हो जाएगा जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी के बेसिक पढ़ेंगे, दो तीन बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 के एक्ट से बनाया गया था, क्यों बनाया गया था ये भी याद हो जाएगा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल बंगाल में एंड हो गया था इसलिए बनाया गया था ये, क्यों एक्ट आया था 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति में, 1857 की क्रांति में बहुत सारा ब्रिटिश को लॉस हुआ था, ब्रिटिशर्स को लगने लगा था अब यहाँ के लोग आज़ादी सच में चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश कैबिनेट ने अपने हाथ में सारी कमांड ले ली थी, तो इसलिए ये आया था। अब देखिए अगला ऑप्शन क्या था, इसकी परमानेंट सीट जो थी वो लंदन में थी, अब ये देखो इसकी परमानेंट सीट लंदन में थी। वेस्ट मिनिस्टर कहा जाता, वेस्ट मिनिस्टर एक मॉडल होता है जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने अपनाया। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल में क्या होता है कि वो कैबिनेट फॉर्म होती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होती है, कभी कभी हमारे इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर को या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उन्हें वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाता है, और इसका नो फिक्स टर्म ऑफ लेंथ थी, मतलब उसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं था। तो ये हमने आर्टिकल, ये हमने जो क्वेश्चन ये देखा है प्रीलिम्स से रिलेटेड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये देखो इसका ओरिजिन था 1858 ड्यू टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए 1857 में, उसके बाद ब्रिटिश मोनार्क ने अपने हाथ में ले लिया और ब्रिटिश मोनार्क ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया, कहाँ इंडिया में, ठीक है, इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया। तो ये आर्टिकल हमने पढ़ा, हमने जाना कि ब्रिटिश कैबिनेट का वो मिनिस्टर था, परमानेंट सीट कलकत्ता में नहीं थी, ये गलत था, और ब्रिटिश मोनार्क अपॉइंट करता था और गवर्नेंस के लिए ब्रिटिश इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल था इंडिया में। अब आज का हम द हिंदू का पहला आर्टिकल देख लेते हैं। पहला आर्टिकल क्या है, उड़ीसा गवर्नमेंट विदड्रॉ द कंट्रोवर्सियल डीम्ड फॉरेस्ट ऑर्डर, मतलब क्या हुआ है, अभी रिसेंटली कल की एक न्यूज़ थी उसमें, उस न्यूज़ में बताया गया था कि डीम्ड फॉरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट स्टेट के अंदर नहीं है और उसको कभी भी काटा जा सकता है, उसको कोई भी चीज़
इंडस्ट्री वगैरह बनाई जा सकती। तो इसी को लेकर ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट आया। तो यहाँ पर पहले क्या गया कहा गया था, डीम्ड फॉरेस्ट एज अ कैटेगरी वुड सीज टू एग्जिस्ट अंडर द रिसेंट अमेंडमेंट फॉरेस्ट एक्ट, मतलब उसमें उसको हटाया जा सकता है फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट। मगर उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल थे फॉरेस्ट के, उन्होंने मैसेज के माध्यम से बताया कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लार्ज फॉरेस्ट जब स्टेट, देखो डीम्ड फॉरेस्ट क्या होता है, पहले आप डीम्ड फॉरेस्ट जान लो। डीम्ड फॉरेस्ट होता है वो कोई भी ऐसा फॉरेस्ट जो आर नॉट क्लासिफाइड सो बाई द सेंट्रल और स्टेट इन द रिकॉर्ड, मतलब वो रिकॉर्ड में नहीं है, ना सेंटर की रिकॉर्ड में ना स्टेट की रिकॉर्ड में। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 था, अब आप यहाँ देखो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर क्या किया गया था कि उसमें जो डेफिनीशन थी वो गोडा वर्मन केस की डेफिनीशन ली गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। गोडा वर्मन केस क्या था कि आपने किसी भी फॉरेस्ट को अगर स्टेट के अंदर आता है तो वो भी फॉरेस्ट है, और उसकी डिक्शनरी मीनिंग भी फॉरेस्ट के अंदर आती। मतलब मान लो कोई लैंड पार्सल है, ये है चरागाह है, इसमें बहुत सारे फॉरेस्ट उगे हुए हैं, और ये किसी स्टेट की डेफिनीशन के अंदर नहीं आते हैं, मगर ये डिक्शनरी मीनिंग के अंदर आते हैं कि ये फॉरेस्ट है। तो आपको इस फॉरेस्ट को रिमूव करने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की विल लेना पड़ेगी, राय लेना पड़ेगी, तब आप इसको रिमूव कर पाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस गोडा वर्मन केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, ये गोडा वर्मन केस ही है जिसने फॉरेस्ट की लाइफ को बढ़ाया है और बहुत सारे फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने के लिए हेल्प की है। मगर रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, इस अमेंडमेंट में एक प्रॉब्लम यह है कि आप इंडिया के बॉर्डर पर 100 किलोमीटर तक फॉरेस्ट को रिमूव कर सकते हो। कोई भी फॉरेस्ट है उसे रिमूव करके दूसरी जगह फॉरेस्ट उगा सकते हो। तो इस और जो फॉरेस्ट स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं उसको आप कभी भी हटा सकते हो, उससे स्टेट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ को लेकर ये डीम्ड फॉरेस्ट जो है बहुत चर्चा में आया। तो इससे सीपी गोयल जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्हें एक मैसेज भेजना पड़ा कि नहीं, ये फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है, आप गलतफहमी में मत रहिए। मगर इसमें अभी भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, ये क्लियर नहीं हुआ है कि डीम्ड फॉरेस्ट फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। तो इसको आगे हम कवर करेंगे, मगर हमने आज एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट रिवीजन कर ली कि गोडा वर्मन केस किससे रिलेटेड है, स्टेट जो स्टेट की डेफिनीशन है फॉरेस्ट की वो क्या होती है, और डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है फॉरेस्ट का। मैंने आपको इस एग्जाम्पल चरागाह के एग्जाम्पल से आपको बताया कि डिक्शनरी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये हमने जाना। अगला आर्टिकल विश्वकर्मा योजना के बारे में, अभी हमने 77th इंडिपेंडेंस डे मनाया, तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना के बारे में डिस्कस किया। विश्वकर्मा योजना जो है, विश्वकर्मा दिवस 17 सितंबर को लॉन्च की जाएगी, 17 सितंबर को लॉन्च की जाएगी, और इसमें मेनली इंडिविजुअल स्किल पर ध्यान दिया जाएगा, और बहुत सारी वेरियस एलिमेंट इस स्कीम्स के अंदर हैं, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट, ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, ब्रांड प्रमोशन, मार्केट कनेक्टिविटी, डिजिटल पेमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल हर गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी पर फोकस कर रही है, क्योंकि हमारा एमएसएमई जो एमएसएमई सेक्टर है वो इंडिया की जीटी में जीडीपी में 48% पार्टिसिपेट करता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे पर्संस हैं जिन्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो इसीलिए सोशल सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में कोई सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान नहीं है। तो हमने विश्वकर्मा योजना के बारे में यहाँ जाना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये जान लीजिए, विश्वकर्मा योजना जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसको नोट कर लेना। विश्वकर्मा योजना इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसको लॉन्च किया गया है इंडिविजुअल स्किल को डेवलप करने के लिए। बहुत सारे स्किल होते हैं, जैसे वीवर्स होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, बारबर्स होते हैं, इनके स्किल को एनहेंस करने के लिए, और ये मॉनेटरी कंपनसेशन देगा, मॉनेटरी सपोर्ट देगा, ब्रांड प्रमोशन करेगा, इस तरह की चीज़ें इसमें बताई गई। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनफॉर्मल सेक्टर के लिए पहले भी योजनाएं लाई हैं, जैसे जनधन योजना, पीएम स्वनिधि को हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया कि पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर के रिलेटेड है, और किस मिनिस्ट्री ने निकाली है, महुआ मिनिस्ट्री ने निकाली है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये हमने जाना था,
ठीक है, कितने तक का इसमें लोन दिया जाता है, 50,000 तक का लास्ट में लोन दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ये अर्बन में जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम में रहने लगे, उसको दिया जाता है। तो ये हमने पीएम स्वनिधि के बारे में जाना था। उज्ज्वला स्कीम में एम्पावर किया गया था, उजाला कहते हैं उज्ज्वला, एक उज्ज्वला जो है सिलेंडर से रिलेटेड है, एक उजाला जो है एलईडी कनेक्शन से रिलेटेड है, तो एक उज्ज्वला आर्टिसन और स्ट्रेंथन एग्रीटेक से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की जाएगी, अभी लॉन्च नहीं की गई, टू बी लॉन्च है 17 सितंबर को। किस तरह की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कैसे स्किल इन्हेंस किया जाएगा, मॉनेटरी फाइनेंशियल एड दी जाएगी। देखो कभी कभी हम अगर सारे पॉइंट नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्किल को ज़्यादा फोकस किया गया और फाइनेंशियल एड को बहुत छोटा सा लिख दिया गया, मगर फाइनेंशियल एड भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला आर्टिकल जगन्नाथ पुरी टेम्पल से रिलेटेड है, इसके हम बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि क्या हुआ है रिसेंटली जगन्नाथ टेम्पल में कुछ क्रैक्स आ गए हैं, तो उस क्रैक्स से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो हम इसके बेसिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यूपीएससी करंट से टॉपिक उठाकर उसके बेसिक्स को डिस्कस क्वेश्चन पूछती है। तो बेसिक्स क्या है, पहली बात ये 12th century में बनाया गया था, आप लोग ये जान लीजिए 12th century में बनाया था किंग अनंता वर्मन छोद गंगन देव के द्वारा ईस्टर्न डायनेस्टी के किंग थे 12th century में, अनंता वर्मन छोद गंगन देव, उनके द्वारा बनाया गया था। जगन्नाथपुरी टेम्पल को यमुनिका तीर्था भी कहा जाता है, ठीक है, यमुनिका तीर्था कहा जाता है, और जो भी यहाँ पर तीर्थ यात्रा करता है वो उसको लॉर्ड जगन्नाथ डेथ उसकी उस साल टाल देते हैं, ठीक है, इसलिए यमुनिका तीर्था कहा जाता है। ठीक है, अगला नाम इसका वाइट पगोड़ा भी है, आपने एक ब्लैक पगोड़ा भी पढ़ा होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसको जगन्नाथ की जो टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल है, इसको वाइट पगोड़ा कहा जाता है। ये चार धाम जो हिंदू रिलीजियन में है उसका पार्ट है, जैसे बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में, और रामेश्वरम तमिलनाडु में। इसमें फोर गेट हैं, फोर गेट में ईस्टर्न सिंह द्वार है जो मेन गेट है, जिसमें लाइन खड़े हुए हैं, साउथर्न अश्व द्वार है, वेस्टर्न व्यवघारा द्वार है, नॉर्थर्न हस्ती द्वार है। आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, किस सेंचुरी में बनाया गया है, क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कभी कभी। इसका अदर नेम क्या है, यमुनिका तीर्था और वाइट पगोड़ा, ये सब याद रखना, ये चार धाम का पार्ट है। ठीक है, अगला चीज़ ये देख लेते हैं, हम उड़ीसा के आर्किटेक्चर को देख लेते हैं, जैसे कि बेसिक्स में क्या होता है, उड़ीसा के आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा पूछता है। तो उड़ीसा आर्किटेक्चर जो बेस्ड है वो नगारा स्टाइल पे बेस्ड है, जो हमारा नॉर्थ इंडिया में नगारा स्टाइल, देखो आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर टू टाइप का होता है, एक्चुअली तीन टाइप का होता है, एक द्रविड़िया, एक बिहारा और एक नगारा। तो जो बिहारा होता है वो द्रविड़ियन और नगारा का पार्ट होता है और मिक्स होता है। तो ये जो हमारा उड़ीसा का जो आर्किटेक्चर है, जो उड़ीसा भी कहा जाता है जिसे, तो उड़ीसा का आर्किटेक्चर जो है वो नगारा स्टाइल बेस्ड है। तो इसमें जो शिखर होता है वो रेखा देवला टाइप, पिदा देवला और खाकरा देवला टाइप होता है। ठीक है, देखो शिखर को अभी हम देखते हैं, देखो ये शिखर का आर्किटेक्चर, पहला रेखा देवला अबव श्रीन, दूसरा पिदा देवला और तीसरा खाकरा देवला, ये शिखर के टाइप हैं। आपको ये टाइप पता होना चाहिए कि रेखा देवला कैसे होता है, एकदम सीधा आता है, फिर सीधा आने के बाद एकदम कर्वी लीनियर होता है, तो इसे रेखा देवला कहते हैं, और इसके नीचे गर्भागिर होता है। पिदा देवला क्या होता है, ये कमोमेटी हॉल होता है, मतलब ये जैसे ही हमारा गर्भगृह खत्म होगा उसके बाद एक हॉल होगा जो कम्युनिटी हॉल होगा, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, गान पूजा करते हैं, तालियां वगैरह से भक्ति करते हैं, उसे पिदा देवला कहते हैं, और तीसरा जो है खाकरा देवला होगा। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहां पर उड़िया के ये एक नगारा आर्किटेक्चर का सब पार्ट है, उड़ीसा आर्किटेक्चर, और इसमें शिखर को देवल कहते हैं। जैसे क्या होता है, हमने नगारा आर्किटेक्चर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो याद नहीं है डेट मुझे, मगर मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें हमने देखा था कि शिखर होता है और इस शिखर के नीचे जो होता है मेन डिटी होती है, जिसे हम गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, गर्भगृह कहते हैं, और इसी गर्भगृह को जो यहाँ शिखर होता है, इसी को यहाँ पर उड़ीसा में देवल कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मंडप होता है, देवल के जस्ट बाद यहाँ मंडप होता है नगारा आर्किटेक्चर, इस मंडप को यहाँ जगमोहना कहते हैं।
आप ये जान लीजिए, ये जो मैं बता रहा हूँ देओल और जगमोहन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूछता है उड़ीसा में शिखर को क्या कहते हैं, और शिखर के बाद जो मंदपा होता है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं उसे जगमोहन कहते हैं। ठीक है, ये हमने उड़ीसा के आर्किटेक्चर देखा, जगन्नाथ टेम्पल के बारे में हमने जाना कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ स्थित है और इसका चार धाम हिंदू रिलीजन में क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से नाम वाइट पकौड़ा और यमुनिका तीर्था के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा देवला कैसे आता है और गरबा गिरा कहाँ पर स्थित होता है, पिदा देवला किसे कहते हैं, कमोडिटी हॉल को कहते हैं, और खाकरा देवला क्या है। अगला चीज़ हम देख लेते हैं, लीबिया बहुत न्यूज़ में है। लीबिया में क्या है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, तो लीबिया का हम मैप देख लेते हैं। देखो पहले हम वर्ल्ड में देख लेते हैं, लीबिया का वर्ल्ड में मैप जो है, इसका बॉर्डर जो मिलता है वो पहली बात मेडिटेरियन सी से मिलता है, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, इसकी कैपिटल त्रिपोली है और इसका बॉर्डर ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, नाइजर, छड, सूडान और इजिप्ट से मिलता है। आप ये देख लीजिए, नाइजर में भी कू चल रहा है, फ्रेंच आर्मी को रिमूव करके वहाँ पर कूप लाया गया मिलिट्री के द्वारा, तो नाइजर भी देखो कितना इम्पोर्टेंट है और लीबिया भी कितना इम्पोर्टेंट। आपको मैप जो है एटलस के माध्यम से, इसके माध्यम से आप देख रहे हैं ठीक है, मगर एटलस के माध्यम से भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एटलस के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखो लीबिया का, अब मैंने लीबिया का मैप आपको वर्ल्ड में दिखा दिया, अब लीबिया का आप देखिए स्मॉल बड़ा मैप। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आप देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा कि आपको हर कंट्री के मैप को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से रिलेट करना। तो आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से होती हुई जाती है लीबिया में, ठीक है, लीबिया से होती हुई जा रही, इजिप्ट से होती हुई जा रही, अल्जीरिया से होती हुई जा रही। यही चीज़ आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे जो मेरे पास नहीं मौजूद है, मगर आप अगर एटलस रखे होंगे तो एक बार वर्ल्ड मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होने वाली कंट्रियों को एक बार ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर देखो लीबिया का ये बड़ा मैप है, कैसे मेडिटेरियन सी से बॉर्डर मिल रहा है, कैसे ट्यूनीसिया से मिल रहा है, कैसे अल्जीरिया से मिल रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर से जा रही है, नाइजीरिया कहाँ पर है, छड कहाँ पर है, सूडान कहाँ पर है, इजिप्ट कहाँ पर है। तो ये आज हमने आर्टिकल डिस्कस किए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक